वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। 31 मार्च के करंट अफेयर्स पे हैं और मैं सुप्रवीण आज आप लोगों के साथ लास्ट लैप में हूँ मार्च के महीने के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आप अगर एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक रेलवे, बैंकिंग, SSC, UPSC या फिर ग्रुप डी, CPO, इन सभी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कराने में। डेली करंट अफेयर्स का सेशन मैं आप तक जो पहुंचाता हूँ वो उसी बेसिस से फ्रेम करता हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। आप केएस एजुकेशनल आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। पहला ही सवाल है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की को अधिसूचित किया, जिसमें हरियाणा के प्रतिदिन की कितना रुपए उच्चतम मजदूरी का दर रखा गया है, जो देखा गया उसमें 357 रुपये प्रतिदिन का है। तो नई मजदूरी का जो दर है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने हाल ही में आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी किस फर्म में बेचने की घोषणा की है, और ये है समारा कैपिटल ग्रुप। पाकिस्तान मूल के कौन स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री या नेता बन गए हैं जो अल्पसंख्यक जातीयता से सबसे कम उम्र के और पहले व्यक्ति हैं? ये इनका नाम है हमजा यूसुफ। भारतीय मूल के सिख महिला अधिकारी किसने हाल ही में अमेरिकी राज्य सहायक पुलिस के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसमें वह विभाग की एशियाई मूल की पहली सेकेंड इन कमांड बन गई है? इनका नाम क्या है? मनमीत पोलोन। विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हाल ही में जारी 2023 संस्करण में किस भारतीय संस्थान को दुनिया के 222 में सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक विषय में रखा गया है, और ये IIT गुवाहाटी है। G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में हुई? ये किस शहर में हुआ था? विशाखापट्टनम में। किस वस्तु के स्टॉक की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ये है अरहर दाल पे। केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हाल ही में अमृतसर और गैटविक किस देश के बीच सीधे उड़ान का उद्घाटन किया? ये कहां पर है? अमृतसर और लंदन के बीच का। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में किस शहर में इंडिया सॉफ्ट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया है? ये नई दिल्ली में हुआ उद्घाटन। सबसे पुराने ड्रैग क्वीन कलाकार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक किसका मार्च 2023 में 92 की आयु में निधन हो गया था? वाटर डब्ल्यू कोल, इनका निधन हुआ। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन रखा था। सब्सक्राइब कर लीजिएगा केएस एजुकेशनल हब को और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में।